जी हाँ, तो आपको बता दें, महिलाओं को लेकर जाहिर तौर पर महिलाओं को बड़ी उम्मीदें भी थी। वित्त मंत्री महिला निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर बजट अपना पेश कर दिया है। महिलाओं के लिए कई प्रावधान यहां पर लाए गए हैं। लोन की अगर बात करें तो मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का लोन उनको मिल सकेगा। अब जाहिर तौर पर महिलाओं को मजबूत करने का प्रयास सरकार हमेशा से करती रही है। जनधन योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपए तक का ड्राफ्ट भी दिया जाएगा। साथ ही एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पास में एके मिश्रा जी हमारे साथ में इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, देखिए महिलाओं की पर्टिकुलर हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, फिलहाल पूरा विश्लेषण हम कर चुके हैं, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो अभी खुशी तो है जाहिर तौर पर कि एक जो घर पर बैठी महिला है उनको सशक्त करने का एक प्रयास अच्छा यहाँ पर किया गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए नारी तू नारायणी, हाँ। ये बात सही है, लेकिन सीता जी यानी जो हमारी वित्त मंत्री है, सीता जी ही लक्ष्मी की शक्तियों को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई। इन्होंने किया क्या, 1 लाख रुपए दिया और सोने पे टैक्स बढ़ा करके। आपको पता है महिलाओं के लिए सबसे प्यारा उनके परिवार, पति, बच्चों के बाद जो होता है वो गहना होता है, और ये आज नहीं लाखों साल से है। बिल्कुल। तो ये ले लिया, यही दुख है जो कि हमारी जो ये महिलाएं हैं वो बता रही है। मैं एक और टेक्निकल पैरामीटर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने महिला उद्यमिता को यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए जो ये किया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके पीछे रीजन है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये होती है पैसा, 1 लाख रुपए, और दूसरा होता है स्किल होता है। देखिए आप किसी महिला को दे रहे हैं तो उसको स्किल्ड कैसे करेंगे, या टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है आपके पास कुछ हो। तीसरी चीज ये है कि 1 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस कौन सी महिला शुरू करेगी, आप मुझे जरा बताइए, एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में जो आता है। इसके पीछे देखिए, अगर सही तरीके से वुमेन एम्पावर करना था ना, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था, भले ही वो उस महिला ने अपने आप किया हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट ना रहा हो, लिज्जत पापड़। मेरे कहने का मतलब, आप देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हाईली एजुकेटेड है लेकिन मैरिज के बाद जॉब या बिजनेस नहीं करती है, ऐसी महिलाओं को पहचानिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप इंदिरा नूई वगैरह को लीजिए जो पेप्सी की हेड है, अपने यहाँ आप शहनाज हुसैन को ले लीजिए, वीएलसीसी वगैरह को ले लीजिए। देखिए निर्मला सीतारमण जी या बीजेपी की गवर्नमेंट अगर एहसान जताना चाहे ना, ये वोट बैंक की राजनीति थोड़ा बंद करे, महिलाओं को खुश करने के लिए ये दिया है। ऐसा नहीं है, जब बीजेपी और ये योजनाएं नहीं थी तो क्या वीएलसीसी और शहनाज हुसैन सरकार के दम पे है? लेकिन अगर सही मामले में रिस्पेक्ट देना है ना, तो इनको ये प्रोग्राम ऐसे करना चाहिए था कि जो स्किल्ड वुमेन है, कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी काम करती है, हाईली एजुकेटेड है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, उनको पहचान करके, और जो लोग अपनी जॉब छोड़ करके अपना बिजनेस, चाहे वो अगर कॉस्मेटिक की फील्ड में है, जिस कंपनी में है, इंडस्ट्री डालना चाहती है, कोई ब्यूटिशियन अगर है तो वो अपने ब्यूटी पार्लर को चैन के रूप में मतलब कन्वर्ट करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, उनको अगर ये आगे बढ़ाते और ज्यादा नहीं, अगर 10-12 लिज्जत पापड़ या आपके शहनाज हुसैन की तरह जो है, और ये वीएलसीसी वाले अगर ऐसे 10-12 भी इंडिया में पैदा हो जाए ना 5 साल में, एक लिज्जत पापड़ के कारण कितने महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ था। तो एक लॉन्ग टर्म विजन मुझे यहाँ पे नहीं दिखता है, प्रैक्टिकल मुझे नहीं दिखता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनका टारगेट ये रहा है, ठीक है, 1 लाख। ठीक है मिश्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास में, आप टेक्निकल तौर पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं ऋचा जी से इसका जवाब लूंगी। देखिए 1 लाख रुपए की आपने जो फोकस किया है उस पर कि 1 लाख रुपए में महिलाएं आखिर क्या कर पाएंगी, क्योंकि कोई बड़ा बिजनेस तो वो खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन जिनके पास सर कुछ भी नहीं है उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत होता है। कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकती है, सिलाई मशीन खरीद सकती है, जिनके हाथों में हुनर है लेकिन पैसा नहीं है कि वो ये सारी चीजें लाकर शुरू कर सके, जिससे वो कहीं ना कहीं कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, अपने बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम वो महिला जरूर कर सकती है, जिसके लिए 1 लाख रुपए 1 करोड़ के बराबर होगा। मैं आपको यहाँ पे एक बोलना चाहता हूँ, जो वैल्यू एडिशन मैंने किया था, रीजन ये है, एक नारी ठीक है 1 लाख वक्त पे तो एक पैसे की भी बहुत अहमियत होती है। तो ठीक है, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि भाई सिलाई मशीन आ जाए, छोटी मोटी दुकान हो जाए, वो ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये लिमिटेड, ये इतनी अच्छी योजना है, कॉन्सेप्ट ये लिमिटेड क्यों कर दिया गया केवल गरीब महिलाओं तक? भाई गरीब महिलाएं ही नारायणी नहीं है, जो एजुकेटेड है, जो किसी कारणवश जॉब, बाद कई ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जॉब छोड़ देते हैं लेकिन फिर उनके अंदर ये होता है कि मैं कुछ करूं अपना, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है। तो देखिए इसमें होना ये चाहिए था, आप 1 लाख से शुरू करके 10 करोड़ तक के लोन का प्रोविजन करिए, सारी महिलाओं को आप उसमें करिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, चाहे वो सिलाई
कढ़ाई की दुकान एक बुटीक खोले 1 लाख रुपए में, और अगर किसी की एबिलिटी हो वो 2 करोड़ रुपए के उसके बिजनेस की एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है तो एबिलिटी पे दीजिए। तो महिलाओं का अगर सशक्तिकरण करना है तो एक गरीब महिला के साथ साथ देखिए महिलाओं की स्थिति देश में क्या है, मैं आपको बता दूं, जो एक गरीब महिला है ना कमोबेश वही हालत जो है गुलामी या परतंत्रता एक करोड़पति के घर में रहने वाली महिला का है, क्योंकि वो भी डिसीजन नहीं ले पाती है और वो भी डिसीजन नहीं ले पाती है, उसका रीजन है, वहां पे भी उसको पैसा लेना है तो अपने हस्बैंड या फादर से लेना है। तो महिलाओं की दशा कहीं ना कहीं बराबर है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम अलग हो सकता है। इसको अगर आप एक्सटेंडेड वे में करते 10 करोड़ तक के लोन का प्रोविजन होता, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती, जो जितना कर सकता उतना मिलता, तब मैं इसको रियल एम्पावरमेंट मानता। देखिए मैं मुझे क्यों इसमें ज्यादा वोट बैंक का वो लग रहा है, अगर देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का पहला होता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना, योजना नो डाउट बहुत अच्छी है, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, अगर वो एक बुटीक की भी दुकान 1 लाख में खोल लेती है तो बहुत बड़ी उसके लिए होती है। एक प्रॉपर वे में एम्पावर करिए, एक सिलेक्टिव क्लास को आपने लिया है, भले ही वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो, और वही सिलेक्टिव क्लास आपका मेजर वोट बैंक है। वोट बैंक के साथ साथ उन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी होगा कि उनकी मार्केट कहाँ है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट चीज, मैं बोलता हूँ जो महिला के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज है, डेफिनेटली देखा जाए भारत में तो वो इलिटरेट होगी, उसको बैंकिंग, उसको डिजिटल ये सब चीजें नहीं पता होगी, तो उसके बिहाफ पे डिसीजन तो कोई और ही लेगा, उसका हस्बैंड लेगा या कोई और लेगा या कोई बिचौलिया लेगा, हमने उसकी तो बात ही नहीं की, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की तो हमने बात ही नहीं की। इसके पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी योजनाएं लाई थी जिनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में डिले के कारण, कमियों के कारण उन योजनाओं का पूरा परिणाम नहीं आ पाता है। मैं इसीलिए बोलता हूं अगर वाकई में देखिए 50% के आसपास हमारे पास महिलाएं हैं और इतनी टैलेंटेड है, आप इसका दायरा बढ़ाइए, 1 लाख से लेकर के आप 1 करोड़ या 10 करोड़ तक करिए, जो महिला बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने, बहुत अच्छी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो बहुत अच्छी डॉक्टर है, फार्मासिस्ट की अपनी कंपनी खोलना चाहती है, अपना नर्सिंग होम खोलना चाहती है, तो ये मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होगा। अगर एक महिला ने बढ़िया कंपनी खोली केवल महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, उसमें सारे वर्कर्स महिलाएं हो, मैनेजर महिलाएं हो, तो ये कॉन्सेप्ट भी रियल एम्पावरमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया लिज्जत पापड़ का, आप देखिए क्या एम्पावरमेंट हुआ था, भले ही उन्होंने अपने आप से शुरू किया। चलिए ठीक है।